क्या कर रही थी बेटा? कुछ नहीं, फ्रेंड्स का कॉल आया था तो उसी से बात कर रही थी। सुनना, तेरी आने की खुशी में आज शाम को मैंने एक पार्टी रखी है, तो शाम को अच्छे से ड्रेसअप होके तैयार रहना। तुझे किसी से मिलवाना भी है। पर माँ, मुझे मेरे दोस्तों से मिलने जाना है। हाँ, तो मैंने कब मना किया, मिल लेना ना। लेकिन आज शाम को रेडी रहना, ठीक है? मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है तो मैं चलती हूँ। टेक केयर। मम्मा को हगी। मेरा बच्चा। चल बाय, टेक केयर, बाय। कहाँ जा रही हो? अरे क्या पहना है काव्या तुमने? जाओ पहले चेंज करके आ जाओ। मॉम प्लीज, मैंने आपसे कहा था ना मुझे अपने दोस्तों से मिलने जाना है। काव्या, मैंने कब मना किया है? चल ही जाना बाद में, लेकिन प्लीज मेरे दोस्तों से मिल लो प्लीज। एंड प्लीज जाके पहले चेंज करके आ जाओ। मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है आपके इन दोस्तों से मिलने का। काव्या क्या बचपना है ये, प्लीज। अरे भाई, लेकिन हम तो मिलना चाहते हैं आपसे। एंड लुक एट यू, लुक जस्ट स्टनिंग। एंड आई लव योर फैशन स्टाइल एंड योर ड्रेस। थैंक यू, मगर मुझे ना ये सारी बोरिंग पार्टीज बिल्कुल पसंद नहीं। ओके, सिर्फ 10 मिनट के लिए ज्वाइन कर लो, अगर अच्छा ना लगे तो आप चली जाना। Okay? Okay. So please come. Okay. Take care of it. Hey! Hello. क्या बातें करता है, his presence lights up everything।
आई लव हिज फिजिक यार, मैं तो उस पर फिदा हो गई। हाँ क्या शुक्र है तेरे टाइप का कोई मिला तो सही। यार मिल तो गया बट अभी हम बातें नहीं हुई। कोई बात नहीं, बात भी कर लेना, आप जब मिले ही तो बात भी कर लेना। हाँ हाँ बात तो हो ही जाएगी। चल ठीक है, मैं रखती हूँ। ओके बाय। हाय काव्या, तुम यहाँ? हाँ वो ऑफिस की मीटिंग के लिए जा रहा था, सोचा रोशनी को भी पिकअप कर लूँ। और तुम सुनाओ कैसी हो? मैं अच्छी हूँ। जूस लोगे तुम? नो थैंक्स, आई एम फाइन। मैं अभी अभी ब्रेकफास्ट करके आया हूँ। यू श्योर? या लेट हो गया मेरी वजह से। लेट्स गो काव्या, फिनिश योर जूस फटाफट। हाँ ओके काव्या, बाय बाय। सिद्धार्थ से मिलने जा रही हूँ। अच्छा तू एक काम कर, फोन रख, मैं तुझसे बाद में बात करती हूँ, ठीक है? ओके बाय। रोशनी, कब तक हम लोग यूं मिलते रहेंगे? हमें जल्द से जल्द शादी कर लेनी चाहिए, इस रिश्ते को ऑफिशियल कर देना चाहिए। काव्या अभी अभी हॉस्टल से वापस आई है, मुझे बस थोड़ा सा टाइम दे दो हम दोनों के बारे में उसको बताने के लिए। इतनी रात को? या? हाँ, वो दोस्तों के साथ कुछ ज्यादा ही हो गई और इस हालत में घर जाती तो तुम मोम को तो जानते ही। ठीक है, अंदर आओ। पानी की जरूरत नहीं। मैं रोशनी को फोन कर देता हूँ, वो तुम्हारी चिंता नहीं करेगी। उसको बोल देता हूँ कि तुम यहाँ। नो नो प्लीज, मम्मा को कॉल मत करो प्लीज। प्लीज
एक मिनट बोलना। हेलो रोशनी। हाय सिद्धार्थ, कैसी हो? मैं ठीक, तुम बताओ खाना खाए? बस अभी खाने ही वाला था, इतने में काव्या आ गई। काव्या आ गई कहाँ? पर वो तुम्हारे घर पे क्या कर रही है? अरे यार, अपने दोस्तों के साथ उसने थोड़ी ज्यादा पी ली थी। घर आने के लिए डर रही तो यहाँ चल। तुम चिंता मत करो, मैं सुबह आके उसको ड्रॉप कर दूंगा। ठीक है, ख्याल रखना उसका। ओके डार्लिंग, तुम भी खाना खा लो और सो जाओ। ओके ठीक, गुड नाइट। एक पैक मैं भी ले लूं? नहीं, देखो तुमने पहले से ही बहुत पी रखी है, छोड़ो। प्लीज तुम्हारे ही बताती हूँ। चीयर्स। The number you are trying to call is currently not reachable. Please try again later. प्यार मुझसे, शादी का वादा मुझसे, और यहाँ मेरी बेटी के साथ। मुझे तुम पे भरोसा करना ही नहीं चाहिए था। नहीं रोशनी, सबसे बड़ी गलती की मैंने। ये सब सच नहीं है। सच नहीं है तो क्या है? मैंने मैंने देखा है अपनी आंखों से। रोशनी, मैंने कुछ भी नहीं किया, विश्वास करो। सुनो, आइंदा से अपनी ये शक्ल मुझे मत दिखाना, तुम्हारा और मेरा रिश्ता खत्म। रोशनी, मेरा यकीन करो। रोशनी, मेरा यकीन करो। काव्या, ये सब क्या है?
और तुमने अपनी माँ को बोला क्यों नहीं कि ये सब जो है वो सच नहीं है? क्या सच नहीं है? ये सब कुछ जो दिख रहा है सच ही तो है, लेकिन सिर्फ मेरी माँ के लिए, क्योंकि ये सब मैं उन्हें दिखाना चाहती थी। रोशनी, कब तक हम लोग यूं मिलते रहेंगे? हमें जल्द से जल्द शादी कर लेना चाहिए। इस रिश्ते को ऑफिशियल कर देना चाहिए। बट काव्या अभी अभी हॉस्टल से वापस आई है, मुझे बस थोड़ा सा टाइम दे दो। हम दोनों के बारे में उसको बताने के लिए तुम पागल हो गई हो। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन तुम मेरी माँ से? तो मैंने सोचा तुम दोनों को अलग करने का यही एक तरीका है। तुम पागल हो गई हो। तुम्हें किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाना होगा। क्या सोचती हो, तुम्हारी इन हरकतों से मैं तुम्हें प्यार करने लगूंगा? कभी नहीं। चलो